गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्लास सिक्स का साइंस सब्जेक्ट का तीसरा पार्ट थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र। तो आज हम लोग तंतु से वस्त्र तक के बारे में जानेंगे इस क्लास में। बच्चों हम लोग, ये प्रश्न सबसे पहले आता है कि हम लोग वस्त्र क्यों पहनते हैं। बहुत से बच्चे जानते हैं, पिछली क्लासों में उन्होंने पढ़ा हो कि हम लोग वस्त्र क्यों पहनते हैं, वस्त्रों की हमें जरूरत क्यों है। बच्चों हम लोग अपने शरीर की सुरक्षा के लिए हैं, विपरीत मौसम में अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, ठंडी से सुरक्षा के लिए, गर्मी से रक्षा के लिए तथा संक्रमण से भी बचने के लिए हम लोग वस्त्र पहनते हैं। आप लोग देख रहे हैं इस समय वर्तमान समय में कोरोना वायरस का कैसे संक्रमण फैल रहा है, और उससे बचने के लिए हमारे डॉक्टर्स या अन्य जो स्टाफ है हॉस्पिटल का कैसे किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो वस्त्र हमें बच्चों हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, हमें बीमारियों से भी बचाते हैं, संक्रमण से भी बचाते हैं, साथ में ठंडी गर्मी और बारिश से भी रक्षा करते हैं। इसलिए हमें वस्त्रों की जरूरत है। बच्चों अलग अलग मौसम में हम लोग अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। जैसे बारिश के मौसम में अलग प्रकार के रेनकोट पहनते हैं, जो अलग प्रकार के मटेरियल से बना होता है। इसी प्रकार ठंड के मौसम में हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, है ना, मफलर बांधते हैं, कैप लगाते हैं, स्वेटर पहनते हैं। इसी प्रकार गर्मी के मौसम में हम लोग कॉटन के वस्त्र पहनते हैं। तो बच्चों अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के वस्त्र हम लोग पहनते हैं। प्राचीन काल में बच्चों अभी जैसे वस्त्र देखने को मिलते हैं, वैसे वस्त्र उस समय के इंसान नहीं पहनते थे। उस समय क्या पहना जाता था, उस समय शरीर को ढकने के लिए पत्तों का इस्तेमाल, बड़े बड़े पत्तों का इस्तेमाल, कई पौधों के पत्ते, कई वृक्षों के पत्ते बड़े आकार के होते, जैसे केले का पत्ता या फिर आप लोग सागौन का पत्ता भी देखे होंगे। इस तरह कई पौधों के, कई वृक्षों के पत्ते बड़े आकार के होते हैं, जिनका उपयोग प्राचीन काल में जब मानव जंगलों में रहता था, निवास करता था, उस समय वो करते थे। पत्तों के अलावा वृक्षों की छाल का उपयोग और जानवरों की खाल का उपयोग, तो छाल और खाल दोनों का उपयोग अपने शरीर को ढकने के लिए आदि मानव करते थे। धीरे धीरे उन्होंने कृषि आरंभ की, कृषि का प्रारंभ हुआ, एक स्थान पर रहने लगे और कुछ ऐसी फसलें उन्होंने पैदा की जिनसे रेशे प्राप्त किए जा सके, और धीरे धीरे उनको बुनकर वस्त्रों का निर्माण करके अपने शरीर को उनसे ढकना आरंभ किया। बच्चों वस्त्र जो बनते हैं किससे बनते हैं, वस्त्र बनते हैं बच्चों रेशों से, और रेशे हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। रेशों को देखने के लिए आप भी एक क्रियाकलाप घर में कर सकते हैं, कोई एक पुराना कपड़ा लीजिए और एक सुई की मदद से उसके आप लोग धागे निकालें, धागे निकालेंगे, धागे आराम से निकल जाएंगे, उन्हें अलग कर लें, इसके बाद उसे टेबल पर रखकर नाखून से उस धागे के ऊपर नाखून रगड़ें कई बार, तो देखेंगे कैसे रेशे उस धागे से रेशे बन गए, यानी धागा वो कई भागों में विभक्त हो गया। तो इस प्रयोग से, इस क्रियाकलाप से हम लोग जानते हैं कि रेशों से धागे बने हैं और धागों से कपड़े बने हैं। बच्चों रेशे हमें कई स्रोतों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से जो रेशे हैं तो दो प्रकार के रेशे होते हैं, नेचुरल फाइबर, हमारा धागा होता है नेचुरल, और एक होता है सिंथेटिक फाइबर होता है। तो हम लोग यहां देखेंगे रेशे जो है वो दो प्रकार के, रेशों के
कतार। तो दो प्रकार के रेशे, एक हो गया प्राकृतिक, प्राकृतिक रेशे, और दूसरा है आपका संश्लेषित रेशे। इसी को दो तीन नामों से बच्चों जानते हैं, संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे या मानव निर्मित रेशे, ठीक है, या सिंथेटिक रेशे। तो हम लोग इसको मानव निर्मित रेशे, मानव निर्मित रेशे यहां लिख रहे हैं। अब बच्चों प्राकृतिक रेशे कौन कौन से, इनको भी दो भागों में बांटा गया। एक ऐसे रेशे जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, और दूसरे रेशे ऐसे हैं जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो वो दोनों प्रकार के रेशे प्राकृतिक रेशे में ले आएंगे, जो प्रकृति से प्राप्त हुए हम। तो प्राकृतिक रेशों में देखेंगे, पहला हो गया कपास, और दूसरा आपका हो गया पटसन, पटसन का रेशा, पटसन से जूट का रेशा मिलता है। अगला हो गया प्राकृतिक रेशों में ही जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ऊन, और अगला हो गया रेशम। ये बच्चों प्रमुख प्राकृतिक रेशे हैं, कपास, पटसन, ऊन और रेशम। वही मानव निर्मित रेशे कौन से हैं, जैसे हो गया आपका टेरी कॉट, टेरी कॉट, नायलॉन, नायलॉन, और कौन सा हो गया डेक्रॉन, रेयॉन। तो ये आपके हो गए मानव निर्मित रेशे, टेरी कॉट, नायलॉन और डेक्रॉन तथा रेयॉन। तो बच्चों इस प्रकार रेशों पे, रेशों को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक रेशे और मानव निर्मित रेशे, इंसान के द्वारा बनाए गए रेशे। सबसे पहले इनके बारे में हम लोग जानेंगे, प्राकृतिक रेशों के बारे में। कपास, तो बहुत से बच्चे कपास का पेड़ तो देखे होंगे आपके आसपास भी, है ना, आपके गांव में आसपास सभी गांव में लगभग एक कपास का पौधा मिल जाएगा। ये आम पौधा है, सब लोग अपने उपयोग के लिए घरों में भी लगाए रहते हैं। कपास का उपयोग विभिन्न कामों में, हमारे घरेलू कामों में होता है, जैसे रुई की बत्तियां बनाते हैं हम लोग पूजा पाठ के लिए, और ज़्यादा लगाए हैं तो उसका उपयोग हम लोग और कामों में कर सकते हैं, तकिया बनते हैं, गद्दे बनते हैं, और साथ में इसकी कटाई करके वस्त्र भी बनते हैं। तो बच्चों कपास का जो पौधा है, मुख्यतः है यह पौधा काली मिट्टी में, इसकी फसल जो मुख्यतः है काली मिट्टी में बोई जाती है, इसकी पैदावार, अच्छी पैदावार काली मिट्टी में होती है। और काली मिट्टी अपने भारत देश में, मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। तो अपने मध्य प्रदेश में मालवा का क्षेत्र है जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा से मतलब है इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, सीहोर, विदिशा, इस क्षेत्र को बच्चों मालवा का क्षेत्र कहते हैं, और यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ कपास की फसल का भी उत्पादन किया जाता है हमारे मध्य प्रदेश में। तो बच्चों कपास जो है इसके लिए काली मिट्टी उपयुक्त है, क्योंकि काली मिट्टी जो है उसमें लोहे की मात्रा है जो इसके लिए उपयोगी है, और साथ में यह मिट्टी के महीन कण होने के कारण इसकी जल संधारण क्षमता बहुत उत्तम होती है। ये काफी समय तक पानी को रोक लेती है अपने अंदर, धरती के अंदर पानी अवशोषित होने नहीं पाता है, ये पानी को रोक के रखती है, जिससे इसमें कपास बढ़िया होती है। और साथ में उष्ण जलवायु भी चाहिए इसके लिए। तो यह क्षेत्र, इस क्षेत्र में काली मिट्टी भी है, उष्ण जलवायु भी है, तो जिसके कारण यहाँ पैदावार इसकी बढ़िया होती है। बच्चों कपास की फसल बोने के बाद इसके
पौधे वृद्धि करते हैं और इसमें एक नींबू के आकार के जैसा इसका फल बनता है। फल पकने के बाद ये फट जाता है, इसके बीज जो है अंदर से टूट जाते हैं, फट जाता है और इसके रेशे बाहर दिखने लगते हैं। और तैयार खेत जो रहता है, पका हुआ तैयार खेत, कटने के लिए तैयार जो खेत रहता है उसको यदि देखें आप, तो ऐसा लगता है उस खेत को देखकर मानो बर्फ पड़ी हो, दूर तक सफेदी पौधों में छाई है। उन गोलक को, कपास के ऊपर के भाग को, उसके फल को इकट्ठा किया जाता है बच्चों खेत से, और इकट्ठा करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग चालू होती है ना। आगे वस्त्र बनाने के लिए उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, तो सबसे पहले उनको तोड़ा जाता है, इसके बाद उसके बीजों को अलग किया जाता है। तो बीजों को अलग कैसे किया जाता है, एक विशेष यंत्र रहता है, ठीक है, उसमें कंघे नुमा यंत्र, जैसे कंघी आपकी रहती है और ऐसे उसके दाते रहते हैं कंघे के, उसी तरह कपास को ओटने के लिए एक यंत्र रहता है, एक लकड़ी की पट्टी रहती है, उसमें कीले निकली हुई रहती हैं, उससे किसान उसके बीजों को ओट कर अलग करते हैं। बीजों को अलग करने के बाद बच्चों, बिनौलों को अलग करने के बाद, रुई के बीजों को बिनौले कहते हैं बच्चों, है ना, तो बिनौलों को अलग करने के बाद उसके गट्ठे तैयार किए जाते हैं, इसके बाद वो कताई के लिए भेजा जाता है। हाथों से भी हम लोग कताई बच्चों कर सकते हैं कपास की, तो हाथों से करने के लिए एक तकली, एक यंत्र की मदद से हम लोग हाथों से कताई करते हैं, और साथ में हस्तकरघा के द्वारा भी रुई की कताई होती है। और हस्तकरघा तो आप लोग देख चुके हैं, हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वो कताई के लिए चरखा चलाते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चरखा चलाते थे जिससे कताई करके धागा बनाते थे कपास का। और हम लोग तकली की मदद से भी कपास की कताई कर सकते हैं, उसका धागा बना सकते हैं। धागा बनाने की प्रक्रिया में बच्चों, जो कपास के रेशे रहते हैं वापस में उनको ऐसा ऐठा जाता है कि आपस में मिलकर मजबूत धागा बन जाता है। इसके बाद धागा बनने के बाद फिर अगली प्रक्रिया में उसकी बुनाई की जाती है। तो करघा के माध्यम से, हस्तकरघा, हाथ से करघा चलता है, या फिर बिजली वाले करघा, या और मशीनें आ गई हैं बुनाई करने की। तो बुनाई करने के प्रक्रम में विभिन्न प्रकार से धागों को व्यवस्थित करते हुए उनकी बुनाई की जाती है, जिससे उनसे फिर वस्त्र बन जाता है। इस प्रकार कपास से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले उसके बीजों को अलग किया जाता है, इसके बाद उसकी कताई करके उसका धागा बनाया जाता है। धागा बनाने के बाद फिर करघे के, हस्त करघा या बिजली वाले करघे की मदद से उसकी बुनाई की जाती है। जैसे आप लोग धागे से घरों में भी स्वेटर की बुनाई करते अपने बहन को या अपनी मम्मी को देखे होंगे, कैसे बुनाई करती है, धागे से स्वेटर बना लेती है, वस्त्र बना लेती है। तो इस प्रकार बच्चों रुई का उपयोग वस्त्र के निर्माण में किया जाता है। और जो काटन रहता है वो जो मौसम अभी चल रहा है ना, गर्मी का मौसम चल रहा है, तो उसके लिए अच्छा माना गया है। क्यों अच्छा माना गया है, क्योंकि ये हमारे पसीनों को अवशोषित कर लेता है, पसीने को सोख लेता है और शरीर को ठंडक प्रदान करता है। तो गर्मी में हमें कॉटन के वस्त्र पहनने चाहिए। तो जो रुई है उससे हमारे कॉटन के वस्त्र बनते हैं। अगले क्रम में बच्चों पटसन का रेशा, यह भी एक प्राकृतिक रेशा है, ठीक है, जिससे जूट का रेशा जिसे कहते हैं, यह प्राप्त किससे होता है, पटसन के पौधों से। जूट का रेशा जो मिलता है हमें वो पटसन के पौधों से मिलता है। और इसकी खेती बच्चों बिहार और बंगाल में ज्यादातर होती है, पटसन की खेती, तो वहां की जलवायु उसके लिए उत्तम है, वहां पटसन की खेती की जाती है और इससे रेशे प्राप्त किए जाते हैं, इसके तने से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। जब फसल पर्याप्त बड़ी हो जाती है और उसकी पुष्पन की अवस्था आ जाती है फसल की, उसमें फूल लगने लगते हैं, तब इस फसल की कटाई कर ली जाती है और इसके बाद इसे सूखने के लिए रख दिया जाता है और आवश्यकता अनुसार
इसे धीरे धीरे किसान उपयोग करते हैं। कैसे उपयोग करते हैं? इसके बंडल गट्ठर इसके बना लेते हैं, गट्ठा बना लेते हैं, और इसके रेशे अलग करने के लिए उन गट्ठरों को पानी में डुबा दिया जाता है। या गांव में कहीं तालाब है या अन्य स्रोत है जहां जल भरा हुआ है, वहां इसके गट्ठर को कुछ दिन के लिए 15-20 दिन के लिए पानी में दबा दिया जाता है, जिससे इसके तने में से ऊपर जो इसके रेशे लगे हुए हैं वो पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। 10-15 दिन के बाद उसको गट्ठे को ले आके उसको सुखाया जाता है। इसके बाद उसके तने से उसके रेशों को छील छील कर अलग कर दिया जाता है, सब रेशों को छील दिया जाता है, अलग हो जाते हैं। इसके बाद अगले क्रम में फिर उसकी कटाई की जाती है, उससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं, धागे बनाए जाते हैं, और फिर और उसका उपयोग फिर उन धागों का उपयोग, उन रस्सियों का उपयोग विभिन्न कामों में होता है। तो जूट के बने हुए बोरे आप लोग अपने घरों में देखे होंगे, जूट की रस्सियाँ भी देखी। इसी प्रकार जूट का उपयोग पर्दों को बनाने में, डोरमैट को बनाने में और भी विभिन्न कामों में पटसन का उपयोग बच्चों किया जाता है। इसके बाद इसी प्राकृतिक रेशों के क्रम में ऊन, ऊन बच्चों सभी लोग जानते हैं ऊन, और ऊनी कपड़े हम लोग ठंड के मौसम में पहनते हैं। और ऊन बच्चों हमें किससे मिलता है? ऊन हमें जीव जंतुओं से ऊन भी प्राप्त होता है। तो मुख्य रूप से आप लोग ऊन जो प्राप्त करते हैं भेड़ से प्राप्त करते हैं, भेड़ के अलावा बकरियों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है, ऊंट से भी हमें ऊन मिलता है, ठीक है। तो भेड़, बकरी, ऊंट, इनसे हमें ऊन मिलता है। इसके लिए उनके शरीर में जो बाल हैं उन्हें विशेष प्रकार की मशीनों से काटा जाता है, फिर उनकी सफाई की जाती है, फिर उन्हें सफाई करने के बाद फैक्ट्रियों में भेजा जाता है और उनकी कटाई करके ऊन का धागा तैयार किया जाता है, और उनका धागा बनने के बाद उनसे मनचाहे वस्त्र बुन के बनाए जाते हैं। इस प्रकार बच्चों ऊन से भी वस्त्र बनते हैं। अगले क्रम में रेशम, रेशम के रेशों का उपयोग भी बच्चों वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। रेशम का रेशा बहुत मजबूत होता है और बहुत चमकदार, इसीलिए रेशम को रेशों की रानी भी कहते हैं। इसका रेशा बहुत सुंदर, चमकदार और मजबूत होता है। रेशम का कीड़ा बच्चों रेशम का रेशा बनाता है। जिस प्रकार आप लोगों ने मकड़ी को देखा होगा कैसे अपने लार से, है ना, मुंह से जो लार निकलती है उससे कैसे धागा बुन लेती है, जाल बना लेती है अपना मकड़ी, उसी प्रकार ये कीड़ा भी अपनी लार से एक अपने चारों तरफ एक जाल बना लेता है। और इसके जो घर को जो कवर इसके चारों ओर बन जाता है उसे कोकून कहते हैं। तो बच्चों रेशम की भी खेती किसान करते हैं और रेशम के कीड़ों का पालन करते हैं। रेशम के कीड़े जो मुख्य रूप से पत्तियां खाते हैं, वो रेशम के कीड़े जो पत्तियां खाते हैं सहतूत की खाते हैं। और सहतूत का फल तो आप लोग खाए होंगे, है ना, आपके आसपास में सहतूत के वृक्ष मिल जाएंगे, पेड़ मिल जाएंगे, और उसके फल जरूर हम लोग खाए होंगे, बच्चे खाए होंगे। तो उसकी पत्तियां उसके लिए मुख्य भोजन है। इसके अलावा व्यंद पत्तियों को जैसे अरहर वगैरह की पत्तियां भी इनके कीड़े खाते हैं। तो रेशम का रेशा बच्चों रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है, और इसका रेशा बहुत कीमती होता है, और इससे बहुमूल्य कपड़े, क्या कहते हैं, महंगे कपड़े तैयार किए जाते हैं, साड़ियां तैयार की जाती हैं, अन्य वस्त्र इससे तैयार किए जाते हैं रेशम से। इस प्रकार से बच्चों ये मुख्य प्राकृतिक रेशे हैं। मानव निर्मित रेशे बच्चों हमें प्रकृति से नहीं मिलते हैं, ये रासायनिक विधियों द्वारा प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं, केमिकल्स के द्वारा, रासायनों के द्वारा प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं। इन दोनों में अंतर ये है, ये रेशे ज्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन इनके पानी सोखने की कम क्षमता नहीं होती, इनमें पानी सोखने की क्षमता, है ना, कि हम जैसे हमारे शरीर में पसीना चले उसे सोख सके, ये नहीं सोख पाते। या फिर टेरिकॉट के कपड़े से स्नान करने के पश्चात, नहाने के पश्चात यदि इनसे शरीर को पोंछा जाए तो हमारा पानी फिर नहीं पोंछेगा शरीर, हमारा
हमारा शरीर उसी प्रकार पीला रह जाए। सोचे जरा कि यदि माँ की साड़ी का कोई कपड़ा टेरी काट कर रखा हुआ है आपके घर में और आप नहा के आए, स्नान करके आए और अपने बालों का पानी पोंछे शरीर का, तो वो कपड़ा जो है पानी को अवशोषित नहीं करेगा। जबकि जो कपास का वस्त्र बना हुआ है, कॉटन का जो वस्त्र है, वो तुरंत पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा और आपके बालों का पानी भी सूख जाए। तो इन दोनों में बच्चों अंतर है। इस प्रकार से जो मानवनिर्मित रेशे हैं वो टेरिकॉट, नाइलॉन, वेप्रॉन और रेयान हैं, जिनका निर्माण विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके प्रयोगशाला में किया जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने इस पाठ में रेशों के बारे में जाना कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं और रेशों से वस्त्र कैसे बनते हैं, वस्त्र बनने की प्रक्रिया भी हम लोगों ने जाना कि कैसे रेशों को इकट्ठा किया जाता है पहले, इसके बाद उनको एकत्रित करके ऐंट कर उनसे धागा बनाया जाता है, धागा बनने के बाद फिर धागों की बुनाई होती है, बुनाई करने के बाद वस्त्र बनते हैं। तो इस पाठ में तंतु से वस्त्र तक की कहानी इस पाठ में बताई गई है। तुम्हारे तंतु से वस्त्र कैसे बनते हैं, हम लोग होमवर्क में बच्चों थोड़ा सा काम करेंगे। होमवर्क में क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के रेशों से निर्मित, विभिन्न प्रकार के रेशों से निर्मित वस्त्रों के टुकड़े एकत्रित करके अपनी नोटबुक में लगाएंगे। जैसे ऊन से बना हुआ यहां कपड़ा चिपकाएं, फिर कपास से बना हुआ, रुई से, कपास से कॉटन का कपड़ा लगाएं, इसके बाद और रेशम का कपड़ा भी लगाएंगे, साथ में जूट भी आपको मिल जाए, जूट हो गया, इसके बाद और भी एकत्रित कर लेंगे, जैसे नायलॉन का कपड़ा लगा देंगे, टेरिकॉट का कपड़ा। इस प्रकार ये गृहकार्य में विभिन्न प्रकार के कपड़ों को इकट्ठा करेंगे आप और अपनी कॉपी में चिपकाएंगे। ये एक काम करना है आपको। और दूसरा काम करेंगे विभिन्न प्रकार के कपड़ों को एकत्रित करके बच्चों को हम लोग बड़ों के देख रेख में उनको जला करके देख सकते हैं कि इनमें अंतर क्या है। तो मोमबत्ती जलाएंगे, विभिन्न प्रकार के कपड़ों को चिमटी से पकड़कर, है ना, किसी जो भी आपके पास पकड़ने के लिए ऐसी वस्तु हो, प्लास से या चिमटी से पकड़ कर उन कपड़ों को जलाएंगे और देखेंगे कैसे चलते हैं। सूती कपड़ा कैसे चल रहा है, या फिर टेरी काट का कपड़ा कैसे चलता है, या ऊनी कपड़ा कैसे चल रहा है और उनसे गंध कैसी आ रही है, इसको भी हम लोग अनुभव करेंगे कि किस कपड़े के जलने से कैसी गंध आती है और कैसे वो जलते हैं, ये काम भी हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शेष अगली क्लास में। थैंक यू।